নমস্কার, আপনারা দেখছেন জিও বাংলা, আর আমি দীপালি। এই মুহূর্তে কিন্তু চলে এসেছি রাজধানীতে এবং এখানে চলছে সোয়াত কেশরী ফেস্টিভ্যাল। এবং সোয়াত কেশরী ফেস্টিভ্যালের বিষয়ে অনেকেই জানেন, এবং যারা জানে না তাদেরকে আমি বলে দিই, বিখ্যাত একটি ফেস্টিভ্যাল যেখানে ওনারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন খাবার ওনারা তৈরি করেন। এবং 5 তারিখ থেকে এটা স্টার্ট হয়েছে এবং 31 ডিসেম্বর অবধি এটা চলবে। এবং এই টাইমের মধ্যে ওনারা যে থালির ব্যবস্থা করেছেন, সেই থালিতে ওনারা যেই যেই ফেস্টিভ্যালের জন্য যেই যেই সবজি বা যেই যেই খাবারের ওনারা ব্যবস্থা করেছেন, সেই সমস্ত খাবার ওনারা পরিবেশন করবেন। এবং প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা রকমের থালি থাকবে, আলাদা আলাদা রকমের খাবার থাকবে। এবং এত কিছু যে আপনাদেরকে বলছি, এটা কতটা ঠিক, কতটা সত্যি, বা কী কী খাবার থাকছে, এই সমস্ত কিছুর খোঁজ নিতেই আমি চলে এসেছি। এবং এই সমস্ত কিছুর খোঁজ পেতে আমাকে কোথায় আসতে হয়েছে বুঝতেই পারছেন। আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি খানদানি রাজধানীতে, এবং এখানে দাঁড়িয়ে আমি বেশি কথা পারবো না, আমি সোজা যাবো খাবারের জায়গাতে এবং দেখে নেবো ওনাদের কী কী ডিশ আছে, কথা বলবো শেফের সাথে, জানাবো আপনাদেরকে। তো বেশি দেরি করে তো লাভ নেই, চলো যাওয়া যাক। সামনে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার, কিন্তু কোনটার কী নাম, কোনটা কীভাবে বানানো ইত্যাদি আমি কিছুই জানি না। তো আমি পেয়ে গেছি এখানকার একজন অন্যতম শেফকে, আমি ওনার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করবো যে কোনটা কীভাবে বানানো, এবং সেই সমস্ত কিছু আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। তো আমি সরাসরি ওনার কাছে চলে যাই। পহলে আপ হাম লোগোকো সমঝাইয়ে কি কোন সি ডিশ কিস তরহ সে বানি আর ক্যা ক্যা চিজ ইসমে ইউজ হয় আর উসকা নাম ক্যা হ্যায়। ইয়ে হামারা সওয়াত কেশরিয়া ফেস্টিভ্যাল হ্যায়, জো হামারা হর সাল রাহ জাতা হ্যায়। বিশেষ করকে ইসমে বহুত সারি ভ্যারাইটি হ্যায়, 35-40 আইটেমস হ্যায়, जो इसमें फरसान में, सब्जी में, स्वीट में, सलाद में, राइस में, हर प्रकार की मिक्स आइटम्स है। जो रोज मेनू में सब्जी में 2-3 आइटम्स सब्जी में रहेगा आपको, स्वीट में मिलेगा 2 आइटम्स, फरसान में मिलेगा 2, राइस में 2 आइटम मिलेगा। ऐसा हर वैरायटी अलग अलग रोज थाली में मिलता जाएगा। जैसे ये पूरा आइटम जो बनाया गया है, इसमें आपको मैं बताता हूँ मैम, जैसे यहाँ पे ये जो सरसों का ढोकला है, सरसों ढोकले में 2-3 प्रकार की वैरायटी है। जो सरसों प्लेन ढोकला है, और ये जो सरसों पालक ढोकला है, और सरसों रिंग ढोकला जो इसको अलग बनाया गया है, ये साकरिया पर साकरिया रतालू पेटी से, और ये आपका ग्रीन पीस लीलवा दाने का मिक्स पेटी से करंजिया कुकरा, और ये भाकरवड़ी है, जो भाकरवड़ी रतालू का और ग्रीन पीस मसाले से बनाया गया है, और ये कच्चे केले का अपना मेथी का गोटा, एक्चुअली स्पेशली गुजराती डिश, इसको गोटा बनाया गया, जो इसमें कच्चा केला जो होता है उसको बॉईल करके, और मेथी का इसका बनाया हुआ उसका पकौड़ा है। वहाँ पे जो आप आगे यहाँ पे जो अपना ये है मुठिया है, जो बथुआ होता है, बथुआ हरा सब्जी होता है, उसका मुठिया बनाया गया है, जो अपन इसको इसके साथ कड़ी स्पेशली रहता है। और फिर सब्जी में आपको रहेगा, सब्जी में जैसे उंदियो है, मूंग वटाना है, खांडवी का सब्जी है, और उसके बाद मोगरी वटाना सब्जी, और उसके बाद जो ये जामरुद का साग, जामरुद जो पक्का पेरू होता है जो रेड वाला, उसका सब्जी है। फिर हल्दी, स्पेशली सब्जी हल्दी जो देसी घी में बनाया जाता पूरा, और ये इसके साथ जो पूरा ग्रीन पीस और अपना हल्दी का पूरा फ्लावर रहता पूरा। यहाँ पे जो अपना ये रोटी में अदर अदर आइटम्स है, रोज अलग अलग रहेगा। इसमें आपको पराठा है, इसमें मकई रोटला है, इसमें अपना मेथी का थेपला है, बाजरी रोटला है, और रोटा जो फुलका बोलते हैं गुजराती में, और उसको ये रोटी बनाएगा जो स्मॉल साइज में। और ये आपके साथ जो दाल और कड़ी में जो वेराइटीज है, ये पे चना कड़ी है, ये चना कड़ी है गुजराती दाल है, सूरती दाल बोलते हैं इसको, स्पेशली गुजराती स्पेशल दाल है। और यहाँ पे जो ग्रीन पीस कड़ी है, और ग्रीन पीस कड़ी के बाद जो आपके पास राइस की वेराइटीज है, राइस की वेराइटीज में आपको संभारिया खिचड़ी है, और यहाँ पे केसरी ड्राई फ्रूट फ्लावर्स, यानी केसरी के साथ उसका ड्राई फ्रूट फ्लावर बनाया गया है, और यहाँ पे गट्टा फुला हुआ है काजू कट्टे के साथ। और यहाँ पे जो अब आपको हलवे में वेराइटीज है, और भी बहुत सारी वेराइटीज है, जो ये गाजर हलवा है, और यहाँ पे जो बीट का हलवा है, और वहाँ पे जो ये अपना साकरखंड का हलवा, जो स्वीट पोटेटो बोलते हैं उसका साकरखंड हलवा है, यहाँ पे जवार खजूर का लड्डू, यानी इसके अंदर पूरा खजूर है पूरा, और ड्राई फ्रूट्स है, खजूर है, इसके साथ गुड़ का है, और इसके साथ बनाया गया लड्डू है, ये खरमा लड्डू, जो स्पेशली राजस्थानी डिश खरमा लड्डू, ये जो अपना गेहूं के आटा, गेहूं का करकरा आटा होता है, उसके साथ गुड़ के साथ बनाया गया है। फिर ये आपका सूट का लड्डू, जो सूट पाउडर होता है, सूट का स्पेशली ये सूट होता है, जो आका सूट होता है, उसके उससे सर बनाया गया, उसमें ड्राई फ्रूट से, नारियल से, गुड़ से है, और ये सब साथ में बनाया गया है। और ये आपका ये लड्डू है गूंद का लड्डू, ये अपना गूंद का लड्डू है पूरा, जो सेम उड़द दाल का लड्डू बनाओ, जो गेहूं आटे का लड्डू है वो ड्राई फ्रूट लड्डू है। तो ये जो सारा आइटम यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा कुछ फेस्टिवल में जो हम लोग थाली ऑर्डर करेंगे उसमें रहेगा? एक्चुअली यहाँ में से जैसे 2 स्वीट आपको रोज लड्डू, तो रोज स्पेशल डिश में लड्डू है, रोटला है, बटर है, उंदी हो, ये स्पेशली डिश
हर ग्रह के साथ दिया जाता है। और इसके बाद जो सब्जी में है, रोज इस सब्जी में एक दो आइटम आपको सब्जी मिलेगा, उसमें से दो आइटम सब्जी, दो तीन आइटम रोज सब्जी में रहता ही है जो ये फेस्टिवल में से है। और स्टार्टर जो स्नैक्स है, स्नैक्स में आपको कोई ढोकले में मिलेगा फ्लावर, और आपको फ्राई फरसान में मिलेगा लिलवा दाना वगैरह, परतालू पेटीज, आपको मोटिया है, बथुआ मोटिया, ये सब मिलेगा। और फिर आपके साथ जैसे राइस में है तो राइस में भी वैरायटी चेंज मिलेगा, रोज से रोज दो तीन आइटम, ये 35-40 आइटम्स है, उसमें से आपको दो तीन हर पूरी थाली में 5-6-7 आइटम रोज मिलेगा आपको। और जैसे आपके पास किटी पार्टीज है, बर्थडे है, तो उसके लिए आप स्पेशली इसमें से कोई भी आप मेनू डिसाइड करके भी होगे तो भी आपको ग्रुप बुक किया जाएगा। तो जो जो आइटम हम लोगों को मिलेगा, मतलब आपने कहा कि दो तरह के लड्डू मिलेंगे या फिर दो तरह की सब्जी मिलेंगी, तो क्या हम लोग वो मतलब चूज कर सकते, कस्टमाइज कर सकते कि ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको लाइक ये लड्डू है, एक लड्डू मेरे को ये लाइक है, तो उसके ऑप्शन में आप दूसरा लड्डू भी ले सकते हैं। आप एक बार बुक करवा देने का और जो भी चाहिए वो लड्डू मिल जाएगा, जो अपना केसरिया सवाद फेस्टिवल में जो लड्डू रखे गए वो आपको मिलेगा। विशेष करके ये राजस्थानी गुजराती थाली कॉम्बिनेशन है, विशेष करके गुजराती कॉम्बिनेशन भी है, परंतु यहाँ से भी नोकल्स की कोई भी आइटम इसमें है, और जैसे ऑल ओवर इंडिया का भी इसमें कोई मिक्स आइटम्स है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, परंतु जहाँ भी ऐसा कुछ लोकल स्टेट में उसको लाइक है तो वो भी बना के देते, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो भी ये केसरिया सवाद स्पेशल हमारा फेस्टिवल है उसमें ये सब आइटम बनाई गई है, जैसे गेस्ट को लाइक होती है हम उसमें और भी दूसरा बना के देते हैं, और जो इसमें चाहिए उसमें से भी उनको स्पेशल आइटम चाहिए वो बना के देते हैं। तो राजधानी का क्या स्पेशल आइटम है? राजधानी का स्पेशल आइटम दाल बाटी चूरमा है, उंदियो है, अपना गट अपना ये सब लीलवा दाना घुघरा है, हल्दी का साग है, मूंगवड़ी खांडवी का सब्जी है, सरसों का साग है, मोगरी का सब्जी है, ये सब स्पेशली आइटम ही से सब है, 30-40 आइटम सब स्पेशल आइटम हर साल हम करते हैं, उसी के हिसाब से ये सब स्पेशल आइटम है, उसमें से हर साल रखते हैं हम, और इसमें से हर साल 2-5-10-15-20 आइटम हर साल इसमें चेंज करते हैं, अलग से अलग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये साल भी कुछ अलग यही केसरिया फेस्टिवल में और भी कुछ उसमें अच्छा करने की कोशिश करने गया, परंतु हर फेस्टिवल में हर सीजन में हर प्रकार का फेस्टिवल रहता है। जैसे आप बारिश में लेंगे तो भी अलग फेस्टिवल रहेगा, आप होली के टाइम भी हमारा ये फेस्टिवल अलग रहता है, हर महीने हर 3-4 महीने में 2 महीने में हर साल हमारा फेस्टिवल रहता ही है। বুঝতেই পারছেন আমি যখন স্বাদ কেশরী ফেস্টিভ্যালে এসে গেছি তখন খাবো না বা টেস্ট করবো না এটা হতেই পারে না, তো আমি বসে পড়েছি পাত পেরে এবং আমাকে ওনারা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটা আইটেম দেখে প্রচণ্ড টেস্টি লাগছে এবং আমি এখনও খাইনি, আমি খেয়ে দেখবো যে এটা কতটা টেস্টি খেতে। কিন্তু আমি আশা করবো যে আপনারাও এখানে আসবেন, এই প্রত্যেকটা আইটেম টেস্ট করে দেখবেন, খেয়ে দেখবেন কেমন লাগছে, আশা করবো আপনাদের খুবই ভালো লাগবে, কারণ দেখতে যখন যেই জিনিসটা টেস্টি হয় সেই জিনিসটা খেতেও টেস্টি হয়, আর আমার কথা আপনারা একদম অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে যদি এখানে এসে খেয়ে যান। আর এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা জানাতে একদমই ভুলবেন না, আর যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। এই ধরনের আরও ভিডিওর আপডেট নিয়ে আমি দীপালি আবারও আসবো আপনাদের সামনে, ততক্ষণের জন্য চোখ রাখুন জিও বাংলায়। কিন্তু আমার চোখ বারবার থালার দিকে চলে যাচ্ছে, কিছু করার নেই, মনটা খাইখাই খাইখাই করছে, তো বেশি কথা বাড়াবো না, আমি ডাইরেক্ট খাওয়ার মধ্যে ঢুকবো। কিন্তু তার আগে আমি বলে দিই, ক্যামেরা পার্সন আকাশদীপের সাথে আমি দীপালি, জিও বাংলা।